अब दिस इज़ द नाइनटीन लेसन और ट्यूटोरियल अबाउट एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट शार्टीज़ तो एम एस वर्ल्ड शार्टकीस के मतलब ये उन्नीसवा ट्यूटोल लेसन इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने एक एक, एक एक्शन जो हमने हम कट किया है या डिलीट किया ऑप्शन एक वर्ड एडिट किया है उसको हम कैसे हम रिटू या अंडू करेंगे ठीक है तो उसमें दो मेथड्स हैं

एंड द अदर की इज ग्राफिकल तो उसमें दो कीज हैं एक कंस्टेक्शुअल है बाई यूसिंग कीबोर्ड एंड अदर की इज ग्राफिकल हुई हैव ग्राफिक्स वो विल यूज बाउस टू सेलेक्ट फ्राम दैट ग्राफिकल ग्राफिक्स टू रीडू अप्शन सपोज आई वॉन्ट टू डिलीट अ वन वर्ड कट अ वन वर्ड और लाइन और सेंटेंस फ्राम द टैक्सट मैं टेक्स्ट में से किसी एक वर्ड को एक सेंटेंस को एक लाइन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ suppose i select this. you can use a uh, shortcut shift plus uh, right arrow key to select the sentence or simply uh, pressing right key to select the uh, mouse, so right keys of the mouse to select the sentence. now i want to uh, uncut it. i will select cut option from here. cut. now the select, uh, selected uh, text sentence has been cut. now i want to undo this uh, action that i have done. अब मैं इसको अंडू करना चाहता हूँ जो मैंने अमल दोहराया किया है इसको मैं कहता हूँ कि ये जो अमल मैंने किया है ये ना हो दोबारा सेंटेंस वापस आ जाए तो इधर देखिए यहाँ पर ऑप्शन है दो एरोज बनी है दोनों का ब्लू कलर की यहाँ पर देखें कर्सर को कुछ कर्सर मूव हो रहा है ब्लू कलर की एरोज़ को हम प्रेस करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो हमने डिलीट किया है वो वापस आ गया ये अनडन हो गया है ठीक है द लास्ट एक्शन दैट वी हैव डन नाउ इट हैज़ बीन अनडन बाय प्रेसिंग दिस की एंड इफ़ यू वांट टू री डू कि हमने जो अमल किया था उसको सही किया तो हम उसको दोबारा वही करना चाहते हैं कि हम उसको कट करना चाहते हैं सेंटेंस को किसी से जगह पढ़ना हो दैट वी वांट टू कट दिस सेलेक्टेड टैक्स अगेन दैट द प्रीवियस सेशन दैट वी डन वाइट वट विल डू वी विल प्रेस हेयर दिस के इट इज़ वूमिंग टू आर द राइट एंड इज फेसिंग टू आर द लेफ्ट साइड नाउ प्रेस दिस की द करस इज ऑन दिस की द विच इज़ ऑन द रट साइड प्रेस हेयर नाउ यू सी द एक्शन दैट विल डीड इज ना रीडू री डन बाई प्रेसिंग दिस की एन अदर शॉट की इज़ टू डो दिस एक्शंस अंड रीड यूजिंग द कीबोर्ड की बोर्ड के जरिए मदद से हम अपना एक्शन रीड हो और अन कर सकते हैं तो सपोज मैंने इस वर्ड्स uh, uh, को सेलेक्ट किया और मैंने इसको कट कर दिया अब मैं इस एक्शन को क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको uh, ये कहता हूँ कि एक्शन जो मेरा है ये अंडू हो जाए जो मैंने एक्शन किया है वर्ड को मैंने कट किया है ये अंडू हो जाए तो क्या करेंगे की की तरफ आ जाते हैं मोविंग टू द की बोर्ड ना फ्राम द की बोर्ड वो विल प्रेस कंट्रोल प्लस सी की कंट्रोल प्लस सी की टू द लास्ट एक्शन दैट वी हैव डन जो सब काम हमने किया है वर्ड को हमने कट किया उसको हमने किया अंडू करना है तो विल प्रेस कंट्रोल प्लस जी की फ्रॉम द की बोर्ड टू अंडू द प्रीवियस सेक्शन कंट्रोल प्लस जी की कंट्रोल प्लस जी की नाउ यू सी आवर लास्ट प्रीवियस सेक्शन हैज बीन बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जी की एंड इफ आई वांट टू दैट आवर प्रीवियस सेक्शन वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ द टेक्स्ट We Want to read to uh, that uh, action again? We will press Ctrl plus Y key from the keyboard to redo it. Coming to the keyboard, we will press Ctrl plus Y key from the keyboard, Ctrl plus Y key from the keyboard to uh, redo the previous actions. Ctrl plus Y key. Now you see here the word there has been deleted. So these are the uh, two different uh, short keys one was uh, textual, another was uh, graphical to uh, redo. And to do the redo and undo short keys, thanks for watching. This was a short tutorial about redo and undo short keys. Thanks for watching. Do like, subscribe, subscribe my channel. Thanks for watching. This is Rajputhan saying goodbye.